महाराष्ट्र में पहली बार आमिरसर इंस्टीट्यूट लाए हैं, फ्री कोचिंग फॉर 11 साइंस ऑन यूट्यूब और 12 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड और MHCET की तैयारी सिर्फ 3500 में। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 30,000 स्टूडेंट्स आमिरसर के चैनल का फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे वीकली टास्क को डिस्कस करेंगे। आपको मैंने सेकेंड वीक ऑफ अगस्त का टास्क दे दिया था, आज हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वीक ऑफ अगस्त यानी 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच का टास्क डिस्कस करेंगे कि डेली आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो टास्क जो है वो हमारे वॉरियर्स बैच के बच्चों के लिए भी है और नॉन वॉरियर्स के लिए भी है, यानी जो बच्चों ने हमको ज्वाइन किया है बैच में उनके लिए भी है और जो हमको यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये जो टास्क है आपको पूरे हफ्ते का टास्क मिलेगा PCMB के लिए कि आपको ये फॉलो करना है। दोनों वॉरियर्स और नॉन वॉरियर्स के टास्क में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी क्लियर करा दूंगा, मैं आपको बताता हूँ। आइए, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का देख लेते हैं कि फिजिक्स हमको क्या पढ़ना है। फिजिक्स में 16 अगस्त को मैंने इस हफ्ते पिछले हफ्ते में क्या लिया था, पिछले हफ्ते हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स किया है, तो इस हफ्ते हम लोग क्या करेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स लेंगे। तो फिजिक्स में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे इस हफ्ते, रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स शुरू करने से पहले आपको 11वीं के कुछ टॉपिक्स करने पड़ेंगे। 11वीं के कौन से टॉपिक्स है, जैसे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पढ़नी होंगी। तो पहले आप उनको क्लियर करें, उसके बाद ही इस चैप्टर में आगे बढ़ें, वरना चैप्टर बाउंस हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो है आप 16th को क्या करेंगे, 16th को आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना, जो वॉरियर्स बैच में लेक्चर्स आएंगे वो इसी हिसाब से आएंगे। पहले और दूसरे दिन तो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद सेंट्रिपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, फिर टर्निंग ऑफ अ व्हीकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 17th को भी आप लोग क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट करना है। तो जो बच्चे वॉरियर वाले हैं वो फिक्र नहीं करें, उनको तो इसी हिसाब से लेक्चर्स मिलेंगे। पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स तो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। जो बच्चे नॉन वॉरियर्स वाले हैं, यूट्यूब पे कहीं से देख रहे होंगे या कहीं कोचिंग ले रहे होंगे, तो वहाँ से आप लोग ने शायद आपको पढ़ाया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं शुरुआत में। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद सेंट्रिपेटल फोर्स एंड सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के बारे में ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है 19th को क्या करना है आपको, 19th को जो है टर्निंग ऑफ अ व्हीकल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टर्निंग ऑफ अ व्हीकल। इसी हिसाब से आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे वॉरियर्स बैच में, तो बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप अपनी डेली की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। और कॉनिकल पेंडुलम और लास्ट में होगा VCM। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट देना है। ये जब लेक्चर अपलोड होगा वॉरियर्स बैच में तो ध्यान रखिएगा, इसमें आखिर में मैंने स्फीयर ऑफ डेथ और वो कॉन्वेक्स ब्रिज वाला पार्ट कराया है, वो नहीं करना है, वो सिलेबस में नहीं है, कुछ ही मिनट्स में, तो लास्ट के कुछ मिनट्स मत देखना। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद जो आपका 21st अगस्त है, 21st अगस्त को इसमें क्या करना है, 21st और 22nd को वो सुनिए। आपने ये कर लिया, ठीक है ना, तो अगर आप ये सारी चीज़ अपना बेसिक्स कर लेते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, ये दो दिन में MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, ये दो दिनों में MCQ सॉल्व करेंगे 21st और 22nd में। कहाँ से करेंगे, तो बेस्ट किताब मैं आपको बता चुका हूँ, प्रज्ञा लातूर पैटर्न, वहीं से आप लोग करें। ठीक है ना, तो ये जो है आप लोग अपनी थ्योरी क्लियर करेंगे और अपने से क्या करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। जो बच्चे हमको उसमें लिए हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, उनको ये MCQs मैं खुद कराऊंगा। ये PLPN के जो आपके MCQs होंगे, ये कौन से MCQs होंगे, शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन वाले MCQs कराएंगे इसमें, तो इंट्रोडक्शन में ही लगभग 70-80 MCQs हैं, तो वो ये दो दिन में हम लोग करवाएंगे। तो 21st और 22nd जो है ये आपको PLPN के MCQs करने हैं। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो खुद से करिए, कोर्स अगर लिया है तो यहाँ पर मैं आपको करवा दूंगा ये MCQs, तो ये MCQ सॉल्विंग इसके अंदर हो जाएगी। ये कहाँ पर होगी, ये तो वॉरियर्स बैच का था, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में होगा। जो बच्चे CET की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे इन दो दिनों में, वो इन दो दिनों में रिवीजन करेंगे अपना। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन इज दी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप कुछ भी रिटेन नहीं कर पाएंगे।
तो आपने जो पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर जो एमएसटी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है क्या? अरे बाबा यहाँ पर एमसीक्यू जो आप सॉल्व करेंगे तो आप बिना रिवाइज किए सॉल्व ही नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो उनको तो रिविजन प्लस एमसीक्यू क्या करनी है, सॉल्विंग करनी। समझा, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो ये दो दिन में क्या करेंगे, इन टॉपिक्स पे क्या करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और जो अपने यहाँ पर जो सीईटी की तैयारी नहीं कर रहे वो सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो फिजिक्स का काम हो गया। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आइए हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं। केमिस्ट्री में इस हफ्ते हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट जो है बहुत ही इजी चैप्टर है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है सॉलिड स्टेट, तो वहाँ से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। और वॉरियर्स बैच में इसके लेक्चर्स इसी हफ्ते अपलोड होंगे, मैं जैसे आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ उसी हिसाब से इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री जो है आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री में पढ़ना है सॉलिड स्टेट। और 16th को आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल बकवास तरीके से काटा है सिलेबस इन लोगों ने। आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा शुरुआत में क्रिस्टलाइन क्या है और अमॉर्फस क्या है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, इंट्रोडक्शन एंड आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो भले ही निकाल दिया गया लेकिन ये तो पढ़ना है, इससे सवाल बनते ही कितने। टाइप्स ऑफ सॉलिड दो ही होते हैं, कौन कौन सा, क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस। तो उससे क्या सवाल बनते, या तो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस का डेफिनेशन बन जाता या तो उसका डिस्टिंक्शन बन जाता, उसके अलावा क्या ही सवाल पूछते। और ये अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे कैसे, पूरे चैप्टर में तो क्रिस्टलाइन पढ़ना है, समझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है लेकिन वो तो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे भी उन लोग ने किया जो भी। सेकेंड डे को आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड डे को आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर उसके बाद 18th को आपको पढ़ना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप जाकर के वहाँ से ले सकते हैं। फिर क्यूबिक सिस्टम, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, पैकिंग एफिशिएंसी, और लास्ट में आपका डिफेक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या कर दी, डिलीट कर दी, रिड्यूस कर दी। और बायो में आपको क्या करना है, बायो में आपको रेस्पिरेशन सर्कुलेशन करना है। तो उसमें से जो एक पार्ट है जो डिलीटेड है मॉडिफाइड वाला, वो निकाल दिया है, बाकी पूरा आपको PDF में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वॉरियर्स में लेक्चर्स भी इसी के हिसाब से अपलोड होंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, उसके बाद मैथ्स में थोड़ा सा वेरिएशन है। मैथ्स में वॉरियर्स के बच्चे जो है मैथ्स में उनको पढ़ाया जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, जो नॉन वॉरियर्स हैं, जो वॉरियर्स बैच में नहीं है हमारे पास, वो करेंगे अपना डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 में आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है ये आप लोग पहले दो दिन में ही कर लेंगे, यानी 16-17 को कर लें, क्योंकि बाकी क्वेश्चन फिर उसमें बड़े हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो आपके पास 18, 19, 20, 21, 22 जो बचेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग जाएंगे, 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक का है उसमें, तो उसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हर दिन आप लोग फिर उसमें एक क्वेश्चन करें और फिर अपनी तैयारी को प्रोसीड करें। समझा, क्लियर हो गया। इसमें जो है वॉरियर्स के बच्चे जो होंगे, वॉरियर्स के बच्चों को आपको टाइम टेबल तो मिल ही जाएगा। उसमें जो है सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 कराएंगे, 4.1 ही चलेगी इस हफ्ते। और उसमें आपको सैटरडे को जो है आपको पूरी एक्सरसाइज का क्या करना है, वो फिर से प्रैक्टिस करनी है। और संडे को आपको 4.1 एक्सरसाइज का टेस्ट देना है। वॉरियर्स के बच्चे क्या करेंगे, संडे को 4.1 एक्सरसाइज का टेस्ट देंगे। यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं उनको डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.2 करने में ही पूरा हफ्ता निकल जाएगा, तो इस हफ्ते उनको कोई टेस्ट नहीं देना है मैथ्स पे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब जो है अगले हफ्ते का क्या टास्क होगा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। इस जो आपका PDF है, इस PDF का आपको जो भी है, इस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, बेसिकली वो PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।